रिवाड़ी में बीती रात निर्माणाधीन जिला जेल में काम करते वक्त क्रेन चालक और ठेकेदार की लापरवाही से एक मात्र 8 दिन की बच्ची के मजदूर पिता की क्रेन से नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर मौजूद मजदूरों का आरोप है कि क्रेन के चालक ने नशीले पदार्थ का सेवन किया हुआ था। उनका ये भी आरोप है कि घटना के 3 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जब तक मजदूर की मौत हो चुकी थी। गाड़ी पीछे से आई है, फिर मैंने उसको बोला कि बस भाई हमारा मटेरियल यहाँ ही गिरेगा। हम दो बंदे थे साथ में, तो हम वो सामान उठाने लगे ताकि मटेरियल आगे जाता है जो, ठीक है सर, मटेरियल आगे जाता है, हमने लगा नहीं पाया, उसने गाड़ी आगे कर ली सर, हमने मना किया, उसने गाड़ी आगे कर ली सर। आगे करने के बाद में मैंने हाथ मारा कि बस सर गाड़ी रहने दो, उसने क्या किया सर, कोई 3-7 फुट की जगह थी, फिर जाके उसने 3 फुट और जगह बढ़ा के। बहरहाल पुलिस ने सिर्फ क्रेन चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर अपना पल्ला झाड़ लिया है और मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। ये क्या था कि हमारी जो रेवाड़ी की जेल जो बन रही है उसका काम चल रहा था, और ये वाक्य है करीब 7 से 8 बजे के आसपास का, और हमें तो बल्कि किसी राहगीर ने बताया था कि इस तरह के का एक एक्सीडेंट हो रखा है कि भाई कोई आरसीसी मिक्सर मशीन के नीचे कोई आदमी दब गया है, जिस पर हमारी पुलिस मौके पर उस टाइम पहुंच गई सूचना मिलने के बाद, और पुलिस ने हाइड्रा मशीनों की सहायता से उस मृतक को निकलवाया है। और उसके बाद ये हुआ कि रिवाड़ी से अजार टीवी न्यूज के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।